दोस्तों अगले महीने सैमसंग का गैलेक्सी टैब A7 अल्ट्रा लॉन्च होने वाला है, जो कि हमें अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है S22 सीरीज के साथ में। वैसे तो स्मार्टफोन यानी जो टैबलेट है ना, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल तो पहले सामने आ चुकी है, लेकिन आज इस टैबलेट की हमारे पास कुछ लाइव इमेजेस भी सामने आई है और कुछ और ज़्यादा यहाँ पर पास हमारे पास की स्पेसिफिकेशन वगैरह भी सामने आई है, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो काफ़ी कमाल के दोस्तों ये वीडियो होने वाले, तो फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 अल्ट्रा के सबसे पहले लाइव इमेज के बारे में कल तो आपके सामने ये इमेज है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर ऊपर से फोटो खींची गई है तो यहाँ पर हमें बैरियर वगैरह तो देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ मार्केटिंग मटेरियल के यहाँ पर द्वारा यहाँ पर पता चल चुका है यहाँ पर हमें काफी थिन बैरियर वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको छोटी सी नोच भी देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत से लोगों को पसंद आ भी सकती है, कुछ को यहाँ पर पसंद नहीं भी आ सकती, वो तो डिसाइड करता है कि किसका डिजाइन पसंद आ जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आपको पावरफुल कैमरा भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल का फीचर देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है ऑटो फ्रेमिंग का, जो कि यहाँ पर आईपैड वगैरह में भी हमें लेटेस्ट में फीचर आया था, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है, वो यहाँ पर आपको यहाँ फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलने वाला, वो भी 60 FPS पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि यहाँ पर आपको पावरफुल कैमरा यहाँ पर आपको सेल्फी में देखने को मिलता है। AMOLED डिस्प्ले भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, यानी 120Hz का रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अगर रैम की बात करें तो यहाँ पर आपको 16GB की रैम ऑप्शन देखने को मिलने वाली है, और अच्छी बात यहाँ पर आपको ये होने वाली है कि यहाँ पर आपको माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात दोस्तों यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर आपको 14.6 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि अच्छी बात है। अगर वेट की बात करें तो यहाँ पर का 728 ग्राम का इसका वेट होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी थिकनेस इसकी काफ़ी कम होती है देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 5.5 mm यहाँ पर आपको थिकनेस देखने को मिलने वाली है, यानी कि यहाँ पर ये आपका स्मार्टफोन ज़्यादा कुछ थिक नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा स्लिम यहाँ पर आपको लगने वाला है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 वाला चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। तो काफ़ी कमाल का दोस्तों टैबलेट वगैरह होने वाला है। तो आपको इसके बारे में जानकर क्या लगा है, आप ये थोड़ा दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मतलब आपको किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।